आज की वीडियो जो है ना वो बिल्कुल भी स्किप करने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक ऐसी हॉबी जिसको आप एज ए प्रोफेशन भी अपना सकते हैं। और इस महंगाई के दौर में जबकि जो है ना इन्फ्लेशन इतनी हो गई है और हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि कोई हिसाब नहीं, कि आप जो है ना सिर्फ ये कि सर्वाइव कर सकते हैं बल्कि अपनी फैमिली को बड़ा ही ज़बरदस्त हेल्दी वे में ना अपने बच्चों को बड़ा कर सकते हैं। और ये जिसको कहते हैं ना कि हॉबी की हॉबी है, महंगाई का तोड़ है ये। इनसे मिलिए, ये हैं टिंडे के पौधे। अच्छा मैं आपको ज़रा क्लोजअप में दिखाती हूँ। ये मैं कह रही थी ना कि एक ऐसी हॉबी है कि जो बहुत ही जिसको कहते हैं ना रिवॉर्डिंग है। मैंने आपको, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें तो मैंने आपको दिखाया था जब हमने ये पौधे लगाए थे। यहाँ से इस खेत से हमने गार्लिक निकाला था और उसकी जगह हमने ये टिंडे लगाए थे, ठीक है। और विद इन 2 वीक्स ना लुक एट द फसल, ये देखें और ये देखें ज़रा। लेकिन इसमें ये है कि अगर आप पौधों की प्रॉपर लुक आफ्टर नहीं करें तो कई दफ़ा तजर्बा फ्लॉप भी हो जाता है। अब ये मेथी लगी हुई है, ये देखें ना क्लोजअप में देखें, ये मेथी है लेकिन ये कोई इतनी हेल्दी और हैप्पी नहीं लग रही। और इसके अलावा यहाँ पे क्या था, कोई साग था, लेकिन अब ये इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया एंड देर मस्ट बी ए रीज़न बिहाइंड इट। तो चलें जी देखते हैं, क्लोजअप में जाके आपको थोड़े से टीले दिखाते हैं। पौधा देखें पहले इसका, ये देखें ऐसे चौड़े चौड़े पत्ते, येलो येलो इसके फ्लावर्स। और ये देखें जी ये टीले लग रहे हैं। और इस टीले को जो पका के खाने का मज़ा है ना, वो आपको तभी पता चल सकता है जब आप इसको एक्सपेरिमेंट करें। 100% ऑर्गेनिक, कोई इसमें केमिकल्स नहीं है, कोई खाद नहीं डली हुई, और ज़बरदस्त टेस्ट है। और इतनी जल्दी ये पक जाते हैं कि कोई हिसाब नहीं। के साथ ही मैंने आपको ये दिखाया था कि जब हमने ये टींडे लगाए थे ना तो उसके अराउंड हमने ये 1, 2, 3 और वो सामने 4, 5 और 6 ये जो है ना ये बने। क्लोजअप में देखें, ये है सनफ्लावर का पौधा है और इट्स ऑल्सो लुकिंग वेरी हेल्दी एंड हैप्पी। वैसे बड़े मज़े की हवा भी चल रही है। ऑल्सो वॉन्ट यू टू नो अबाउट दिस पीज, पाकिस्तान में ना जब पी ऐसा होता है ना, ये वैसे इतना है वो नहीं है पर लेनी में इतना मोटा जब हो जाए ना मटर तो वो ऐसे कड़वा सा होता है ना, इतना मीठा नहीं होता। और ये इतने मज़े के और मीठे पीज हैं कि आपका दिल चाहेगा कि आप इनको सिर्फ सैलड में यूज़ करें, ज़बरदस्त। ये देखें जी ये हमारा कद्दू का पौधा जो अभी आप सब ने देखा था हमने कब लगाया है। ये देखें माशाल्लाह इसकी ये कितनी टेंटिकल्स मैंने इसका नाम रखा है। ये जितनी ये जो पतले पतले इसकी डंडियाँ सी निकल रही है ना, ये सब यहाँ पे लगेंगे। देखें फ्लावर्स, कितना अच्छा और हेल्दी प्लांट है माशाल्लाह ये कद्दू है। आज की ये वीडियो सिर्फ अलॉटमेंट बेस्ड और प्लांट बेस्ड बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चल सके कि कितनी जल्दी ये प्लांट्स जो है ना ये ग्रो होते हैं, कितनी जल्दी ये फ्रूट देना शुरू करते हैं। और ज़रा ये देखें कि कितने हमारे टॉल प्लांट्स हो गए हैं माशाल्लाह। हमारी पालक देखें ये कितनी बड़ी हो गई है, कितनी दफ़ा बना भी चुकी हूँ। ये देखें सारे पौधे माशाल्लाह, ये देखें कि कितने हेल्दी और हैप्पी लग रहे हैं। ये देखें और ये फ्रूटफुल क्यों है, ये आपको पता ही है कि सब्ज़ियाँ ना यूके में, जो यूके में रहते हैं वो लोग उनको तो पता ही होगा, जो नहीं रहते उनको भी पता है कि यहाँ पे सब्ज़ी इतनी महंगी हो चुकी है कि वो ऑलमोस्ट ऐसे ही है जैसे छोटा गोश्त पाकिस्तान में। कि करेले यहाँ पे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 7 से 10 पाउंड किलो, और जिसका मतलब आप ज़रब दे लें कि आजकल 1 पाउंड जो है ना वो एटलीस्ट 360 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है। तो फिर हुआ ना ये ज़बरदस्त प्रोफेशन। अच्छा अब ये बैंगन है, ये देखें ऑलरेडी ये भी कितने बड़े हो चुके हैं, अभी कल परसों की बात है हमने लगाए थे। और उसके बीच में देखिए आता आई थिंक ये गार्लिक है अनियन है, क्योंकि वो प्लांट्स भी हेल्दी लग रहे हैं। ये देखिए एक करेक्शन है, ये बैंगनों के बीच में ना अनियंस हैं, गार्लिक नहीं है। अब इन टमाटरों को ना अगर इन सब पौधों पे, जिस तरह ये आपको मैं क्लोजअप में मज़ीद दिखाती हूँ, जैसे ये टमाटर लगे हुए हैं ना, जैसे ये देखिए कितना बड़ा हो चुका है, छोटे हैं। पिछले साल तो आप लोगों ने देखी है मेरी वीडियो की जिसमें मैंने प्यूरी बनाई थी इन टमाटोज की। तो अब ये देखेंगे इस पर कितने फ्लावर्स लगे हुए हैं, कितने टमाटर लगे हुए हैं, और ये कितनी ज़बरदस्त हमारी हार्वेस्ट होगी इंशाल्लाह। और अगेन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट यूके में जो है ना टमाटर इतने महंगे हैं ना कि कम अज़ कम 2-3 पाउंड के केजी टमाटर मिलते हैं। और अगर आपके रोज़ के टमाटर अपने घर के निकल आए तो क्या ही बात है। कि जी हमारे दूसरे कद्दू के पौधे पे भी
फ्लावर लग गए हैं। अच्छा लाइक वाइज मिर्चें भी यूके में इतनी महंगी हैं कि जो है ना, अगर आप रेगुलर बेस पर उनको यूज़ करना चाहते हैं तो खास एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आपने इतने से भी पैच पे लगा दिए मिर्चें डिफरेंट तरह की, चाहे वो बुलेट चिलीज हों चाहे वो शिमला मिर्चें हों, तो ज़बरदस्त आपको ना अपनी वीकली बेसिस पे आप उतारेंगे और जो है ना आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें वाइट फ्लावर्स और शिमला मिर्च है उसकी, और ये देखें जी हमारी ज़बरदस्त एक शिमला मिर्च लग भी गई है। ज़रा क्लोजअप में देखें माशाल्लाह। ये देखने के लिए कि ये रिस्पॉन्स, ये पौधे कितनी जल्दी कितने ज़्यादा बड़े हुए हैं। ऑनेस्टली यू मस्ट वॉच माई प्रीवियस वीडियोज फॉर द कंपेरिजन। ब्यूटिफुल ये लग रही हैं, ये सब देखें, लग रही नहीं है। ये सारे के सारे यार क्यूकम्बर्स हैं। और ज़रा करीब देखें ये एक पौधे पे कितने लगे हुए हैं, ये देखते जाएँ सिर्फ, ये एक पौधा है, ये क्यूकम्बर, इसके साथ क्यूकम्बर, ये जितने फ्लावर्स हैं ना ये सारे क्यूकम्बर्स बनेंगे। और डेली के हिसाब से हम माशाल्लाह अपने घर में ना जैसे 5-7 तो भी फिलहाल भी आ जाते हैं। और ये देखें जो हमने थ्रेड्स लगाए थे, जैसे वो टमाटरों के लगाए हैं, आपको इससे अंदाज़ा होगा लिटरली एक वीक या 2 वीक्स से वो हमने छोटे छोटे पौधे लगाए थे, बीज लगाए थे क्यूकम्बर के, पौधे लगाए थे बिल्कुल छोटे से। तो अब ये 6-4 वीक्स ओल्ड हैं, लेकिन आप ज़रा देख लें कि मेरे हाइट से तो लंबी हाइट इन पौधों की हो चुकी है और पूरा ग्रीन हाउस इन्होंने फिल कर दी है माशाल्लाह। ये सारे येलो येलो जो है ना, ये सारे येलो फ्लावर्स जो हैं क्यूकम्बर्स के हैं, ये सब क्यूकम्बर हैं। और ये देखें जी लाइव आपको दिखाएं कि हम रोज़ इस तरह ना कुछ कीड़े घर लेके जाते हैं। ये भी रेडी है देखें जी, ये इसको भी तोड़ने, आई थिंक इसको भी तोड़ने, एक सेकेंड मुझे ज़रा कैप्चर करने दें लाइव, ये देखिए। और इस खीरे का अगर आपको मैं टेस्ट बताऊँ ना, तो ये बाजारी खीरा तो इसके मुकाबले में इस तरह लगता है कि आप कुछ नकली खा रहे हैं, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। अच्छा अगेन यूके में, पाकिस्तान में भी सख्त में मुझे इतना नहीं पता, लेकिन यूके में एक जो क्यूकम्बर है ना, आई थिंक ये पौंड के मैक्सिमम 2 क्यूकम्बर्स आपको मिलते हैं, गुड वाटर कंटेंट लेकिन इतना टेस्ट नहीं होता। और ये देखें हमारे ये माशाल्लाह ये खीरे ही खीरे, वो देखें जी वो भरे हुए हैं ये, और ये डेली के हिसाब से हम लेके जाते हैं। आई थिंक आई एम जस्टिफाइड इन सेइंग कि ये ऐसा प्रोफेशन है ना जो अगर आपके पास टाइम है तो उसको, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसको एज ए हॉबी करें, और अगर आपके पास टाइम है तो ऑनेस्टली ये जो है ना इट्स ए फुल फ्लेज प्रोफेशन। और कुछ भी ना हुआ ना तो आपका अपनी आपकी जो फैमिली है ना वो हेल्दी और ऑर्गेनिक फूड खाएंगे। जो सैलड है ना ये भी अगेन तकरीबन 1 पाउंड का आता है एक जो है ना बंच सा, तो और लेकिन वो इतना फ्रेश भी नहीं होता, इतना जो है ना जूसी भी नहीं होता, तो इसलिए खुद उगाएँ खुद खाएँ। और जी वेलकम टू आर टिंडा एंड तोरी खेत। ये लग रहा है कि यूके है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अब इसमें क्या होता है कि अब ये देख रहे हैं आप ये कितने माशा लीव्स बड़े हो गए हैं, तो इसमें थोड़ी थोड़ी ना इनकी तराश खराश भी करनी होती है ताकि जो है ना जो पौधा है उसको अच्छे से सनलाइट लगे, और जो है ना थोड़ा सा वो जो है ना वो फिर बाकी जो क्रॉप होती है ना आपकी उसको ग्रो होने में हेल्प मिलती है। तो अभी ज़रा मैं आपको दिखाऊँगी, ये देखें ये हमारे टिंडे नाइसली ग्रो हो रहे हैं, और आज अभी हम इस वक्त हार्वेस्ट करने आए हैं। और ये जो मनाजर हेल्दी आपको देखने को मिलती है ना, ये बस मेहनत के साथ आते हैं और बड़ा मज़ा आता है, वेरी रिफ्रेशिंग। देखें जी हमने एक टिंडा उतार लिया, और ये इधर चला गया हमारी बास्केट में। करेलों का तो मैंने आपको बताया है ना, इसी तरह कोई भी सब्ज़ी है वो यूके में इतनी महंगी है। भिंडियाँ जो हैं वो भी इसी तरह कम से कम 7-8 पाउंड केजी हैं। इसी तरह जो भी ये टिंडे हैं और बाकी तोरियाँ सब ही इसी तरह महंगी हैं। तोरियाँ भी बीच में कोर्जेस भी लगी हुई हैं, देख रहे हैं रेडी है, अभी नहीं रेडी है ना, मैं ढूंढती हूँ इधर आए, इसमें मुझे लग रहा है ज़्यादा है। ये देखें ये लगे हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, वैसे एक रेडी है दूसरा नहीं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्रेश लुकिंग तोरी,
ये देख, ठहरे ठहरे मुझे आने नहीं, इतनी डिफरेंट टाइप्स की हैं और हर एक का एक अपना डिफरेंट फ्लेवर है। ये देखिए, ये तो कोई डार्क ग्रीन बनी है ना, वो भी नहीं रेडी है ना। बैकग्राउंड में परिंदों की आवाज़ों को एंजॉय करेंगे, देखिए कितने फ्रेश हैं। और ये हमारी येलो वाली कॉर्जेट्स, वो भी, और ये एक और डिफरेंट टाइप। लेकिन बात ये है कि एक तो मैंने कहा ना कि ये ऑर्गेनिक फूड है, और दूसरी बात यह है कि ये इतनी कम अवेलेबल है आजकल कि अब ये जैसे मैं, मेरे से लोग हैप्पीली ना, दे आर हैप्पी टू पे एनीथिंग टू बाय देम। तो अगर आप इसको ना, ये मतलब ये इतनी, आपको पता ही है एसडा और सारे सुपर स्टोर्स में ये बड़ी महंगी बिकती हैं, तो हार्ड वर्क तो है लेकिन इट्स वर्थ इट। बल्कि हाँ, मेरे फैमिली और फ्रेंड्स को पता है कि वी आर इन टू दिस। अब ज़ाहिर है ये सारी वेजिटेबल्स हम खुद तो पकाने से रहे, तो लोग पहले ही बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया हुआ होता है कि जी हमें बताएं, हम आके कलेक्ट कर लेंगे। ये देखें एक और टीना इधर आए। लेकिन जो बात जहन नशीन करने की है वो ये है कि आप कोई भी प्रोफेशन अपना लें, जब तक उसमें हार्डवर्क नहीं होगा वो आपको रिवार्ड नहीं देगा। यहाँ कहने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो भी कर रहे हैं वो छोड़ दें और किसान बन जाएं, बिल्कुल भी नहीं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आप कोई भी फील्ड चूज़ करते हैं, चाहे वो कितना आम और कितना ख़ास फील्ड है, जब आप प्रॉपर एजुकेशन नहीं लेते, हार्ड वर्क उसमें पुट इन नहीं करते, तो आपको राइट रिजल्ट्स नहीं मिलते। नहीं, ये भी बहुत अच्छा साइज़ है, इतनी छोटी सी जगह है और उस पर इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। ऑनेस्टली जिस तरह पाकिस्तान में लोगों की ज़रा ज़्यादा ज़मीनें होती हैं, जिसको कहते हैं ना ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, तो पता नहीं क्या क्या हमारी ज़मीनों में उग सकता है। और यहाँ पे जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, उतनी पाकिस्तान में करनी भी नहीं पड़ती। वहाँ की ज़मीन जो है ना वो नेचुरली ज़रखेज़ है, और यहाँ पे जो है ना बड़ी मेहनत के बाद उसको ज़रखेज़ बनाया जाता है। ये देखें, वाह, टू हैव द पैशन फॉर गार्डनिंग। हम खड़े थे, ऑनेस्टली मैंने सोचा शायद बारिश शुरू हो गई है, यह नहीं पता कि ये जो है ना ये वाटरिंग हो रही है। हम प्लांट्स को ना इस वक्त वाटर कर रहे हैं, और ये डेली मेरे हस्बैंड करते हैं, सो यू हैव गॉट टू लुक आफ्टर योर प्लांट्स एंड वेजीज। मेरा कैमरा गया। अच्छा, अगर आपने सही ट्रेन इंसान बनना होना हो तो परदेश के धक्के खाने ज़रूरी हैं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में किसी को इतना हार्ड वर्क करते नहीं देखा कि वो अपनी रूटीन के जॉब्स के साथ ना इस तरह का जो है ना एक चैलेंजिंग किस्म की हॉबी अपना ले जिसमें उसका इतना सारा टाइम लगे। और ये देखें जी हमारा पहला कद्दू, और ये देखें जी अपडेट ऑन माई कॉर्न। इसके अंदर देखें, इफ़ यू कैन सी, तो ये है एक, मतलब ये भी फ्रूटिंग के लिए रेडी हो रही है। और ये खूबसूरत रेनी डे, और मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी और हम वॉक करके गए रेन में टू शो हर अराउंड माय अलॉटमेंट। जिंदगी में इन छोटी छोटी चीज़ों से कितनी खूबसूरती है। कहने को आपने सिर्फ बारिश में वॉक ही की, लेकिन इतना मज़ा आया क्योंकि हम गप्पे लगाते गए और वॉक करके गए और फिर वॉक करके वापस आए। क्या है ना, ये देखें आप करीब क्लोजअप में देखें कि कितने टमाटर लगे हुए हैं। टमाटर है, ये देखिए ना, ये क्या है, मिर्ची है? नहीं, ये सब टमाटर है, और ये बीच में बैंगन लगे हुए हैं, और ये बीच में ये सारी स्पिनच है, ये स्पिनच है, ये टमाटर है, और बीच में ये देख रहे हैं सारे अब्बा जींस के ना, ये क्या, ओह ये लेडी बर्ड है, वाओ, ये देखें, और ये जो है ना ये सूरजमुखी का पौधा है, ये वाला, आई लव सूरजमुखी, और ये जो बाय वैसे है ना ये सारे टीले हैं, वो भी सूरजमुखी है, सही मेहनत वाला काम है। और ये देखें ना, ये भी मैं आपको करीब क्लोज अप में देखे ना, टीले लगे हुए नजर आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं, देखो कि कहां तक ये हो गए, यकीन करो मैं छोटे छोटे प्लांट्स लगाए थे, ये सारे खीरे हैं वो देखिए, हां, और बहुत टेस्टी है। ये कितनी देर में बनते हैं? ये तो मेरे ख्याल में तो फ्यू वीक्स का रिजल्ट है। ये भाई सारा काम करते हैं? नहीं नहीं, हमने एक चोर रखा हुआ बंदा, हो रहा है, ये बागवान है? नहीं नहीं, बागवान भाई है। अच्छा, ये सब उन्होंने किया है, सही मेहनत वाला काम है। लेकिन ये पूरा बाग है मिर्चों का, ये देखिए, ये जो ये बनी है ना, ये नॉर्मल चिलीज है ना, ग्रीन चिलीज जो हम यूज करते हैं, और आगे वो सारी शिमला मिर्चें हैं, और लगी हुई भी हैं, मैं आपको दिखाऊं, आंदे जाओ, ये फ्लावर्स तो नजर आ रहे हैं ना, ये देखिए ना, ये सारे
ये फ्लावर्स है ना लगे हुए। अच्छा, ये अभी किधर लगेगा? अच्छा हाँ मिर्ची, ये देखे जी कितनी खूबसूरत। वो देखे जहाँ कैमरा मैंने किया हुआ, वो देखे वो ग्रीन चिलीज कितने खूबसूरत ये लग रही है ना, नजर आ रही है ना। और ये बड़ी स्पेशल किस्म की कोई अफ्रीकन टाइप मिरर है, इसका कोई नाम है जो पर्पल ब्लैकिश कलर की है। आलू है हाँ, और इतना इनका टेस्ट है। आपने आलू आज टेस्ट किया ना, बेहतरीन ये नजर आ रहा है। जब पक जाएंगे तो सारे निकल आएंगे, तब निकालेंगे। लेकिन ये सारे आलू एप्पल्स, मजा आया इनको असली हालत में देख के ना। कभी के एप्पल्स अपने पौधों के साथ, ये देखिए ना एप्पल्स चिली ये सब कद्दू है। बहुत मजा आ रहा है। ये कौन है? मजा आता होगा ना जब सही चीजें निकल रही हैं ना। पे कुकिंग करते हैं ना इसीलिए यहाँ बैठे हैं। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे बारिश का व्यू ही हो रहे हैं। ऐसे लोग पे ये सारे आप समझे कि हमारी टींडे और तोरियां हैं। तो बड़े बड़े टींडे लगे हुए हैं। और जो प्रॉब्लम मुझे आजकल की जनरेशन का लगता है वो ये नहीं है कि ये करना है या वो नहीं करना। द थिंग इज़ वट एवर दे डू दे आर नॉट विलिंग टू पुट द हार्ड वर्क इन। और इस वीडियो से मेरा पैगाम ये है कि आप चाहे क्लीनर बने, चाहे आप कुक बने, चाहे शेफ बने जो कि एक ही चीज़ है, या कुछ भी करें, गार्डनिंग करें, आपने हार्ड वर्क पुट इन करना है टू गेट द राइट रिजल्ट्स। और मेहनत में कोई शर्म नहीं है। कोई गार्डनिंग या बकरियाँ पालना या कोई और प्रोफेशन जो आप अपनी लिविंग के लिए चूज़ करते हैं, किसी चीज़ में कोई शर्म नहीं है, एज़ लॉन्ग एज यू आर डूइंग द हार्ड वर्क और आप अपने बच्चों को हलाल रोज़ी कमा रहे हैं, कमा के दे रहे हैं। मिर्ची कितनी खूबसूरत लग रही है। एक मिनट ठहरे ना, ये यूँ आगे से पत्ते, ओफ़ कितनी प्यारी, कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह। फिर इतने हार्ड वर्क का रिजल्ट होता है ये। और ऐसी बास्केट्स माशाल्लाह हम रोज़ भर के घर लाते हैं। अब आप सोच लेंगे कि 15-30 kg अगर आप सब्ज़ी रोज़ ला रहे हैं तो हाउ मच वुड यू बी अर्निंग इफ़ दिस वाज योर लिविंग। अच्छा, अगर अब आप में से किसी को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यूके में अलॉटमेंट आप कैसे ले सकते हैं तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई टू योर मैसेजेस। और ये है कि ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता जितना हम समझते हैं, ठीक है। इट्स ओनली 70-odd pounds फॉर द फुल ईयर और उसमें आप कई 70 pounds कमा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इन्जॉय द रेन और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक छोड़ें, आपको कैसी लगी ये वीडियो, ऐसी वीडियोज़ आपको पसंद है या नहीं। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।